तो यारो अपना अगला गोल्ड रॉयल कौन सा होने वाला है, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में ही दिखा दिया था, कुछ इस प्रकार का दिखता है। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि अपना अगला डायमंड रॉयल फीमेल का होने वाला है। डायमंड रॉयल देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, बट इतना तो फीमेल का बंडल को पहन के चलता नहीं है, तो भाई ठीक है चलो चल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वेपन रॉयल अगर आ सकता है तो वो भाई मैक्स 7 का स्किन ये वाला हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है। खैर मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया, आप पहले से अवेयर रहे। खैर आगे बात करें तो भाई नंबर 2 पे ये चीज है कि सर्वाइवर पैकेज। अब सर्वाइवर पैकेज है क्या मैं तुमको बता दूं, फ्री फायर के कुछ बहुत ही रेयर आइटम्स, फिर से जो भी बैच होता है ना उसे आप कुछ टेम्पररी महीनों के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए खरीद सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप ब्लू टिक को 699 में खरीद लेते थे ना, उसी तरह से यहाँ पर आप वी बैच को भी खरीद पाओगे। अब देखो ये परमानेंटली नहीं मिलेगा, बस दिखावा करने के लिए, और इतना ही नहीं अपना खुद का बैनर अवतार भी लगा पाओगे। तो भाई ये काफी खतरनाक चीज लग रहा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बिल्कुल ठीक भी नहीं लग रहा। मतलब पैसे दोगे तो कुछ टेम्पररी मिल रहा है, परमानेंट नहीं मिल रहा है। चलो परमानेंट भी दे देगा ना तो उन लोगों के लिए ना इंसाफी होगा जो ई स्पोर्ट्स और पार्टनर प्रोग्राम में रहने वाले को भी बैच मिलता है, तो फिर भाई उनका इज्जत ही क्या रह जाएगी, जिसके जरिए दबदबा भोकाल सा बना रहता था। तो सोचो वही भी बैच अगर सबको मिल जाए तो भाई सब कहेगा अरे जान अब बायत का खेल है, मैं तो आराम से पैसे देके 10 बार खरीद लूंगा। तो खैर इतना तो किसी के पास पैसे नहीं होगा कि भाई कुछ टेम्पररी मिलेगा और हम दिखावा करने के लिए लेंगे। तो भाई मैं यही कहूंगा ये सर्वाइवर पैकेज ना बहुत खराब सिस्टम है, अगर ये इन गेम के अंदर आता है ना उस दिन बहुत बड़ा दिमाग खराब होगा। मतलब मैं यही कहूंगा कि गरेना इससे फायदा तो खोज रहा है, लेकिन आने वाले समय में गरेना के और हेटर्स बन जाएंगे। यानी फ्री फायर तो पहले ही लवर थे, वो लवर की जगह हेटर्स भी बन सकते हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अगर ये लाते हैं तो भाई बहुत गड़बड़ हो सकता है, और लाते हैं तो भाई तो भी दिक्कत है भाई। इतना ही नहीं, जो तुम सोच रहे ना कि सीजन 1 से लेकर सीजन 10 तक जो भी वो गोल्डन में मतलब इलाइट पास तब्दील हुआ, यानी कि जिनके पास बहुत पहले से इलाइट पास होगा उसी को गोल्डन में मिलेगा, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो भी साला रिटर्न कर देंगे गरेना वालों। मतलब भरोसा मत करना भाई गरेना, हो सकता है फायदे के लिए वो भी चीजें वापस ला दे। तो भाई ये बहुत बुरी चीज है, जो कि गरेना ना यार वादे के मुताबिक ना बिल्कुल सख्त नहीं होता है, मतलब कह सकते हो बिल्कुल ही ढीला हो जाता है। यानी कि पैसा जहां दिखा वहां भाई वो एकदम ना मतलब गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा भाई, ऐसा ये गरेना है भाई, मैं सही बता रहा हूं। खैर पता नहीं मैं अभी से इसको क्यों गाली बक रहा हूं, बट जो भी मैंने ये चीजें देखा उस हिसाब से मैंने आपको पहले ही अवेयर करने के लिए बता दिया हूं। हो सकता है इन फ्यूचर गरेना ऐसा कर भी सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले इस बात में शौक मत होना, अभी से तैयार रहना। अगर ये अभी से तुम इग्नोर करना सीख जाओगे ना तो कल को ये चीजें आपको नौबत देखने को मिलेगी नहीं भाई। स्पेशली उन लोगों को दिक्कत पड़ेगा जो भाई खरीद नहीं सकते, उनको और ज्यादा ये लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। खैर फ्री फायर भाई पता नहीं क्या करवा रहा है यार, मतलब गरेना सब ये मालिक है भाई, यही कुछ भी कर सकता है। खैर अभी के लिए तो ये मैं कुछ कह नहीं सकता कि एकदम से आएगा या नहीं आएगा, बट इतना कह सकता हूँ जब भी आएगा तो बहुत दिक्कत है। खैर अभी ना आए तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी तो बहुत खुश है, मस्त है, बट देखते हैं क्या होता है। खैर आगे बढ़े तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना न्यू डिवाइन विक्टोरिया बेब इवेंट होगा, जहां पर राम और रावण का बंडल होगा। हालांकि ये जहां तक मुझे लग रहा था भाई राम का बंडल ना फ्री मिलना चाहिए, लेकिन राम का बंडल मुझे लगता नहीं है कि भाई फ्री होगा। अगर फ्री नहीं होगा तो भाई समझ लो कि ये बेब इवेंट बनाने वाला कुछ इसका इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलता है। बाकी रावण वाला बंडल तो ऑलरेडी यार बहुत लेजेंडरी, तो फ्री में तो बांटेंगे क्योंकि इसका जो ताज है ना आता है और जाता रहता है, तो भाई बहुत ही कूल लगता है यार, फैंटास्टिक लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 प्रकार के कलर में ना VIP बैनर अवतार आने वाले हैं, जैसे कि पिंक डार्क में VIP अवतार बैनर अवतार देखने को मिलेगा, फिर से रेड डार्क में आपको बैनर अवतार देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको लुक पहले ही दिखा दिया। एंड आप लोगों को सभी को याद होगा कि एक बार हमारे ना जो पिछले अपडेट था वहाँ पर ना 2 कैरेक्टर निकल आए थे, स्नोबेल और साथ में सेवर कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर ना आज तक अभी गेम में नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ स्नोबेल का ना कैरेक्टर को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। हालांकि कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, उसका नाम चेंज हो गया, साथ में एबिलिटी चेंज हो गया। पहले एबिलिटी भाई कुछ जो A1-4 का एबिलिटी था ना उसकी एबिलिटी इसका हुआ करता था, फिर वो एबिलिटी पूरा हटा दिया गया। उसकी एबिलिटी भाई कुछ इस प्रकार का लिखा है भाई, पढ़ लेना। और ये एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही कुछ होने वाला है इसका भी, जैसे सोनिया का ना वैसे ही ठीक इसी का भी होने वाला है, थोड़ा बहुत कुछ धरती आसमान का फर्क रहेगा। खैर इसके अंदर भाई इसकी एबिलिटी ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, और मैं बता दूं इसका ना स्नोबेल नाम हटकर इलेजा नाम रखा है, इलेजा, तो भाई बहुत अजीब नाम है। खैर लीजा बैठ तो नहीं लग रही, खैर जो भी हो मस्त लग रही है, खैर नाम बहुत अच्छा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये अगले अपडेट में आता है, क्योंकि देखो नाम चेंज है तो इसका मतलब ये करेक्टर आने वाला है, स्नोबेल नाम हटकर इलेजा नाम से आने वाला है, तो भाई मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ कि सेवर करेक्टर भी आएगा। हो सकता है कि सेवर करेक्टर का नाम रहे या फिर एबिलिटी में चेंज हो जाए, क्योंकि एबिलिटी उतना खास इसका था भी नहीं एडवांस में मैंने देखा था जब भाई, मतलब एनमी को अगर ये मारता है तो उल्टा में इसको भी डैमेज लगता है, तो मतलब कुछ फर्क नहीं मिला यार, मतलब कुछ खास था नहीं इसके। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आने वाले समय में स्नोबेल इलेजा नाम से को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने एडवांस रोल में देख लिया था पहले ही। हालांकि एडवांस रोल में तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, ये कुछ लीक अनुमान से मैंने पता किया है, तो भाई मैं तुम्हें पहले दिखा दिया हूं। रही बात सेवर कैरेक्टर की, तो भाई सेवर का भी हो सकता है नाम चेंज होकर आ जाए, बाकी कैरेक्टर वही रहेगा, हो सकता है एबिलिटी भी बूढ़ा हटकर कुछ और लगा दिया जाए, बस यही कहना था।